दसवीं क्लास का दहर सत दी अभ्यास सत क्विंटिक का सत्तवां सवाल करन जा रहे हैं। देखियो एक्स धुरे ते ओ बिंदू पता करो जो इस बिंदू ते इस बिंदू तो बराबर दूरी ते है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट बराबर दूरी फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो एक गल का ध्यान रखना है, आडे को सारे पता है कि एक्स धुरे ते वाई धुरा हुंदा है। एक्स धुरे ते बेटा एक्स हुंदा है, वाई धुरे ते वाई हुंदा है। इस गल का ध्यान रखियो, बिंदू हमेशा जिहड़ा हुंदा साडे कोल एक्स कॉमा वाई हुंदा है, ठीक है ना। जे एक्स धुरे की गल कर रहे हैं तो एक्स होगा वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जे वाई धुरे की गल कर रहे हैं तो वाई अपनी थान पर होगा एक्स जीरो हो जाएगा। इस करके एक्स धुरे से जो भी कोई बिंदु पूछे तो एक्स जीरो दसना है, तो वाई धुरे से पूछा गया बिंदु हुंदा जीरो वाई, सानू पूछा गया एक्स धुरे से बिंदु। तो मान लियो एक्स धुरे से स्थित बिंदु एक्स कॉमा जीरो है, लैट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा जीरो। तो हम सवाल ने की किया है, पी तो पी कोई बिंदु है एक्स धुरे से, उसकी दूरी ए ते बी, इसनों ए मान लिया इसनों बी ना से समान है, मतलब पी की दूरी ए तो कट लो या पी की दूरी बी तो कट लो, दोनों बराबर ने। तो मैं लिख लिया देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए ते पी बी आपस में बराबर ने। हुण असीं डिस्टेंस दूरी कटनी है, वर्गमूल लगा लिया है, पी ते ए की दूरी कटने लिए असी पी नू फिक्स कर लिया है, मतलब पहला नंबर पी नू मनिया है, ठीक है ना। हुण पी ने जाना है पहले अक्षर ने पहले दे कोल, दूजे ने दूजे दे कोल, ठीक है ना। इहदा मतलब की आ गया पी एक्स माइनस दो की घात दो जीरो प्लस पांच की घात दो। इस तरह एक्स इहदा साइन चेंज नहीं करना, जे कोई वेरीएबल वाला अक्षर बिंदु आ गया ना तो उस बिंदु तो शुरू करया करो, एक्स प्लस दो की घात दो जीरो माइनस नौ की घात दो। तुसीं देख सकते हो दोनों पासे वर्गमूल ने, असीं दोवें पासे वर्ग लै रहे हैं, दोनों पासे वर्ग लैन ते इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जो असीं दोनों पासे वर्ग लैंदे हां तां की हुंदा है कि वर्गमूल ते वर्गमूल आपस में कट्टे जांदे ने। तो हुण ध्यान नाल की लिखांगे असीं, साडे कोल बच गया है एक्स माइनस दो की घात दो जमा पंज की घात दो बराबर एक्स जमा दो की घात दो जमा नौ की घात दो, क्योंकि माइनस वर्गमूल उसके ना कटिया गया है। हुण इस गल का ध्यान रखना है कि साडे कोल ए माइनस बी की घात दो ते इधर ए प्लस बी की घात दो का फॉर्मूला बन रहा है, जिहड़ा कि सानू फॉर्मूला लगाना होएगा। ध्यान नाल देखना है तुहानू फॉर्मूला की हुंदा है, पहले मैं तुहानू साइड ते फॉर्मूला लिख के दिखा दिंदा कि तुहाडा जिहड़ा फॉर्मूला है वह की हुंदा है। ए जमा बी की घात दो का फॉर्मूला हुंदा है बेटा ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी, लेकिन ए माइनस बी की घात दो का फॉर्मूला हुंदा है ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी। तो ये दोनों फॉर्मूले असी लगावांगे, ध्यान देखियो तुसीं, सब तो पहला ए की दो जमा बी की दो माइनस, क्योंकि इतने माइनस है, दो गुना ए गुना बी, ए साढ़े कोल एक्स है तो बी साढ़े कोल दो है, पांच की घात दो तो तुहानू पता ही है पच्ची हुंदी है बराबर है। फिर दोबारा ए की घात दो जमा बी की घात दो जमा दो ए ते बी जमा नौ की घात दो कितना हुंदा है इक्यासी। इस गल का ध्यान रखियो, हुण आपां इहनूं हल करांगे, ध्यान नाल देखणा तुसीं सारिआं ने। एक्स की घात दो नाल एक्स की घात दो बेटा कट्टी जाएगी, दो की घात दो नाल दो की घात दो भी कट्टी जाएगी, क्योंकि इहनां दोनों इधर खब्बे ते सज्जे पासे बराबर प्लस प्लस दे ने, इस करके कट्टे गए। इह तुहाडे कोल आ गया माइनस दे चार एक्स जमा पच्ची, उधर आ गया प्लस दे चार एक्स जमा इक्यासी, ठीक है बराबर है। प्लस दे चार एक्स उधर बुला लो कि देखोगे माइनस दे चार एक्स दे कोल एक और माइनस दे चार एक्स आ गए बराबर है, इक्यासी दे कोल आ गया जी पच्ची माइनस दा। हुण माइनस दे चार एक्स ते माइनस दे चार एक्स हो गए माइनस दे अठ एक्स बराबर है, इक्यासी दे विच छपंजा कटाए पच्ची कटाए छपंजा, इहदा मतलब एक्स कितने बराबर आ गया छपंजा बटा माइनस अठ दे, अठ का जे पाड़ा पढ़िए अठू सत्ता छपंजा हुंदा है, अठ एकम अठ अठू सत्ता छपंजा, इहदा मतलब साडे कोल एक्स का मुल कितना आ गया है माइनस सत्त। इहदा मतलब साडा जिहड़ा पी बिंदु है जिहड़ा असीं एक्स कौमा जीरो मन्निया सीगा वह बिंदु कितने बराबर आ गया है पी बिंदु माइनस सत्त कौमा जीरो दे, जो कि साडे इस सवाल का आंसर होएगा। उम्मीद करता तुहानू समझा सकिया हां वधिया तरीके नाल कि सानू एक पी बिंदु मनना सीगा जिहड़ा कि एक्स धुरे ते स्थित होवे, असीं एक्स कोमा जीरो मनिया है ते उसकी दूरी दो गिवन बिंदुआं नाल बराबर सीगी, इस करके पी ए बराबर पी बी रखिया, तो पी ए ते दूरी फॉर्मूला लगाया, पी बी ते दूरी फॉर्मूला लगाया, तो उस तो बाद वर्ग लैके वर्गमूल हटा के असी ए माइनस बी की घात दो ए की दो जमा बी की दो माइनस दो ए बी,
ए जमा बी की घात दो का फॉर्मूला ए दो जमा बी दो जमा दो ए बी लगा के एक्स की घात दो इधर भी प्लस दा है उधर भी प्लस दा है इस करके कटिया गया। दो की घात दो खब्बे हथ भी प्लस दा है सज्जे हथ भी प्लस दा है इस करके कटिया गया। चार एक्स सज्जे हथ माइ खब्बे हथ माइनस दा है उधर सज्जे हथ प्लस दा है इस करके कटिया नहीं गया, याद रखना है। चार एक्स इधर बुला लिया माइनस दा हो गया जुड़ के अठ एक्स आ गए। तो इस तरह असी एक्स का मूल माइनस सात पता कर लिया है जो कि साड़ा पी बिंदु प्राप्त हो गया है। हम आप अठवां सवाल करांगे, ध्यान देखियो तुसी सारे। अठवें सवाल च कह रहा है कि वाई का वह मूल पता करो जिस दे लई पी ते क्यू दे विचकारली दूरी दस है। इहदा मतलब साडे कोल आ पी बिंदु है आ क्यू बिंदु है। पी बिंदु है 2, -3 ते क्यू बिंदु है 10, y ते इहदे विचकारली दूरी साडे कोल किन्नी है 10। इहदा मतलब जे मैं पी ते क्यू दी दूरी पता करा सानू पी ते क्यू की दूरी कितनी दी गई है 10 दी गई है। पी ते क्यू की दूरी का फार्मूला साडे कोल की हुंदा है 10 - 2 की घात 2 क्योंकि 10 ने जिहड़ा है 2 नाल रिलेशन बनाना है ते वाई ने जाके 3 नाल बनाना है। इहदा जमा वाई इहदा साइन चेंज होएगा प्लस 3 की घात 2 बराबर ही कहिंदे दित्ता गया सानू 10 दित्ता गया। इस गल का ध्यान रखना है, बस तुसीं पी ते क्यू दे विच दूरी का फार्मूला 10 के बराबर दिता गया है। हुण असी दोवां पासे वर्ग लवांगे क्योंकि साडे कोल वर्गमूल आ गया है। तो असी लिख लिया बेटा दोवां पासे वर्ग लैन ते स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो की होया देखो इतने दोनों पासे वर्गमूल नहीं हैगे, इधर वर्गमूल सीगा वह कट गया, देखो वर्गमूल हट गया तो उधर 10 के उत्ते घात 2 आ गई है। इस गल का ध्यान रखना है कि जेकर दोनों पासे वर्गमूल होंदे तो वर्गमूल कटदा। वर्ग का मतलब होंदा घात 2, घात 2 नाल वर्गमूल कट जांदा ना। इधर वर्गमूल ही सीगे तो घात 2 उधर ही रह गई। हुण 8 की घात 2 तो तुहानू पता ही 8 × 8 = 64 बिल्कुल ठीक। जमा वाई जमा 3 की घात 2 बराबर 10 की घात 2 100 होंदा है। हुण तुसीं की करना, ध्यान देखना है, वाई जमा 3 की घात 2 बराबर 100 - 64 क्योंकि 64 नूं खब्बे हथ तों सज्जे हथ लै गए हाँ, तो वाई जमा 3 की घात 2 तुहाडे कोल 36 आ गया है बेटा। हुण ध्यान रखना है कि 2 घात जदों उधर जाती है तो वर्गमूल बन जाता है, तुहानू सारिआं नूं पता है। तो 36 का जो वर्गमूल टुटता है तो 6 × 6 = 36 तो वाई जमा 3 बराबर आता है ±6। जो भी वर्गमूल तोड़ते हैं तो साडा आंसर के नाल प्लस माइनस लगता है, इस गल का ध्यान रखना है। हुण तुसीं की करना है, वाई जमा 3 के नाल 6 प्लस का भी लिखना है ठीक है, और वाई जमा 3 के नाल 6 माइनस का भी लिखना है, इस गल का ध्यान रखियो। हुण वाई बराबर आ गया 6 - 3 तो वाई बराबर आ गया -6 - 3 +3 उधर जाके माइनस हो गया। यदा मतलब वाई का मुल 3 भी आ चुका है तो वाई का मुल साढ़े को -9 आ चुका है। तो यह सवाल साडा कंप्लीट हो गया है। ध्यान देखना है, सानू दिता होया कि पी ते क्यू दे विचकार दी दूरी 10 है, इस करके असी पी ते क्यू दे विचकार दी दूरी पता करके 10 दे बराबर रखी है। दोनों पासे वर्ग लैन नाल वर्गमूल खब्बे हथ दा कट गया ते सज्जे हथ वर्ग आ गई। 8 दी घात 2 64 ते 10 दी घात 2 100 हुंदा है, 64 उधर जाके माइनस हो गया है 36 आ गया। घात जदों उधर भेजदे आ वर्गमूल बनता है, तो वर्गमूल जदों टुटदा है तो हमेशा नाल प्लस माइनस लगाया करो। तो एक बार 6 प्लस दा ते एक बार 6 माइनस दा रख के असी उत्थों वाई दे दो मुल पता किते ने। बहुत ही सौखे ढंग नाल सवाल खत्म किया है बेटा। हुण नौवां सवाल ध्यान देखियो, नौवां सवाल कह रहा है कि जेकर क्यू 0.1 बिंदुआ पी ते आर तो बराबर की दूरी पर होवे तो एक्स का मुल पता करो। ध्यान देखना है, क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, ध्यान दसना है। आ तुहाडा क्यू बिंदु है जो इक्विडिस्टेंट है बराबर दूरी पर है किहदे तों पी ते आर तों, मतलब पी बिंदु तुहाडे कोल आ गया 5 - -3 ते आर बिंदु आ गया x, 6। ये गलती नहीं करनी बेटा, ध्यान रखना है। क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, मतलब सवाल कह रहा है कि क्यू ते पी की दूरी ते क्यू ते आर की दूरी बराबर है। तो ये देख सकते हो असी सवाल में लिख लिया है कि क्यू ते पी की दूरी ते क्यू ते आर की दूरी बराबर ने। क्यू ते पी की दूरी मैं तुम्हें दसा हमेशा इन फिक्स करो, इतों शुरू करा करो 0 - 5 = 1 + 3 0 - 5 = 2 + 3 के विचकार हमेशा प्लस होना है। 0 - x² 2 - 1 - 6² 2 इस तो आप हुण हल करांगे। वर्गमूल 5 कल्ला 0 0 ना तो कुछ भी कटदा नहीं ना, ना कटदा ना जुड़दा, तो 5² 2 सीधा 25 लिख लिया है। 3 + 1 = 4 जुड़ रहे ने, 4² 2 16 आ गया बेटा। 0 छड़ दो, x² 2 आ चुका है ते 1 दे विच 6 घटाए 5 5 की घात साडे कोल 2 आ गई है।
हूँ तुम दोनों पासे वर्ग ले लेना है। तो देख सकते हो बेटा वर्ग जो अभी दोवें पासे वर्ग कहते हैं ना, तो इस तरह वर्ग लेंगे। तो वर्ग दो घात का वर्गमूल कटाया गया, दो घात का वर्गमूल कटाया गया, साढ़े को बच गया 25 जमा 16 बराबर है एक्स की घात 2 जमा 25। तो इस तरह 25 नाल 25 बेटा देखो कटिया गया है, तो एक्स की 2 के बराबर आ गया है 16 के। तुहानू मैं दस्या कि जो भी घात को सज्जे हथ भेजा जाता है तो वह वर्गमूल बन जाती है। तो 16 का वर्गमूल सारों को पता है 4 होंदा है, तो वह प्लस माइनस 4 गिणिया जाएगा। इस गल का ध्यान रखना है, जो भी असी वर्गमूल तोड़ते हैं तो एक्स आंसर के नाल प्लस तो माइनस दोनों चिन्ह लगते हैं। इसका मतलब जे एक्स तुहाडे कोल 4 होएगा तो की होएगा, तो जे एक्स तुहाडे कोल माइनस 4 होएगा तो की होएगा। इस गल का ध्यान रखना है क्योंकि तुहाडे कोल जिहड़े बिंदू सीगे वो तुहाडे कोल क्यू बिंदू तो तुहाडे कोल पूरा पूरा बिंदू से 0 ते 1, पी बिंदू 5 ते -3 सीगा वह भी सही है, लेकिन जिहड़ा आर बिंदु सीगा तुहाडे कोल वो सीगा x,6 ते वो हो जाएगा 4,6। लेकिन इधर क्यू बिंदु तो उही रहेगा 0,1, पी बिंदु भी 5,-3 ही रहेगा, लेकिन जो आर बिंदु है वह -4 ते -6 बन जाएगा क्योंकि इतने एक्स का मूल -4 है। हुण असीं एक्स बराबर 4 ते एक्स बराबर -4 दे नाल जिहड़े बिंदु पता किए ने, उसने सानूं एक होर गल भी कही सी बेटा, ध्यान नाल देखियो सवाल दे विच। उसने कहा सी एक्स का मूल पता करन तों बाद क्यू आर ते पी आर भी पता करने ने, ते असीं एक्स का मूल पता करके जो आर विच भरे ने ते साडे कोल एक्स का 2 मूल आए ने, 1 4 ते 1 -4, तो असीं लिखिया कि एक्स जे 4 होएगा तो आर बिंदु 4,6 होएगा, जे -4 होएगा तो -4,6 होएगा। बाकी सारे बिंदु तो सही सके, क्यू भी 0,1 है, दोनों के 0,1 होगा, पी 5 ते -3 है तो पी 5 ते -3 ही रहेगा। हुण असीं करना है क्यू आर ते पी आर, देखो मैं क्यू बिंदु ते आर बिंदु लिख के क्यू आर पता किया है 4, 0 दे नाल रिलेशनशिप बना रहा, 4 -0 6 -1, 4 0 घटता नहीं 4 ही रह गया, 6 चौके 5, 4 की घात 2 16, 5 की घात 2 25, 41 साडा आंसर आ गया है। पी ते आर की दूरी पता करनी है, पी ते आर लिख लिया है 4 -5 ते 6 +3 की घात 2, 4 के 5 घटा रहे हैं या 5 के 4 घटा रहे हैं, 1 बच गया है, 6 ते 9, 1 की घात 2 1, 9 की घात 2 81 ते 1 82 साडा आंसर आ गया। लेकिन जे एक्स -4 सीगा तां बिंदू आर चेंज हो गया सीगा, इस करके सानू क्यू ते आर ते पी ते आर दोबारा कढ़ना पिया। क्यू ते आर जदों कढ़िया तां 5 -0 -3 ते -1 बन गया, 5 की घात 2 25 ते -+ होंदे ने, 4 की घात 2 16, फिर 41 आ गया। मतलब क्यू आर नूं कोई फर्क नहीं पिया, लेकिन पी आर -4 ते -5 बन गया, 6 ते +3 बन गया, ए भी नौ 81 ते 82 साडा आंसर आ गया। इस तरह हुण इह सवाल साडा पूरा कंप्लीट हो गया, जिहदे विच असीं पहलां एक्स दा मुल पता कीता, फिर एक्स दा मुल भर के तिन्हां बिंदुआं दे विच क्यू आर ते पी आर की वैल्यू भी पता कर ली है। हुण अखीरला सवाल इस एक्सरसाइज दा बेटा 10वां सवाल करन जा रहे हां, ध्यान नाल देखियो। एक्स ते वाई विच इक अजिहा संबंध स्थापित करो, पता करो कि बिंदु एक्स वाई इन्हां दोनों बिंदुओं तो बराबर दूरी पर होवे, मतलब ए वाला बिंदु इन्हां दोनों तो बराबर दूरी पर है। दोबारा पढ़ लेने, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब इस बिंदु नूं असीं पी नाम दिंदे हां जो कि साडे कोल एक्स वाई है, तो इसका दूरी ए बिंदु है 3,6 ते बी बिंदु है -3,4 नाल बराबर दी गई है। हुण सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सानूं पता लग गया है कि पी की दूरी ए नाल ते पी की दूरी बी नाल बराबर है, ते हुण बराबर है ते इहदा मतलब साडे कोल दूरी का फार्मूला लगेगा बेटा। मैं कहा इहनूं पक्का रखना है, स्टार्ट इहतों करना है, एक्स पढ़ के फिर इहदा साइन चेंज करना है, एक्स -3 की घात 2 जमा y -6 की घात 2 बराबर, फिर वर्गमूल आ गया है x+3 की घात 2 जमा y -4 की घात 2। हुण दोनों पासे वर्ग है, इस करके दोनों पासे वर्ग लैन ते बेटा जी लिख लिया कि दोवां पासे वर्ग लैन ते स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ते वर्गमूल हटा लेने। हुण सारे ते बेटा फार्मूला लगना है जिहड़ा कि मैं तुहानूं पिछे भी याद कराया सीगा, a - b की घात 2, a की 2 जमा b की 2 -2ab, इस तरह y की घात 2 जमा 6 की घात 2 -2y ते 6 बराबर है। हुण इधर भी बेटा a की 2 जमा b की 2 जमा, क्योंकि प्लस दा है 2a ते b, फिर प्लस, फिर इत्थे लगना है बेटा
वाई दी घात दो जमा चार दी घात दो माइनस दो गुना वाई गुना चार। हूँ मैं तुम्हें दस्या सीगा कि किस तरह आप कटिंग करते हैं। देखो एक्स दी दो इधर भी है, एक्स दी दो उधर भी है, वाई दी दो इधर भी है, वाई दी दो इधर भी है। हूँ तुम देखो कि यार तीन दी घात दो इधर भी है, तीन दी घात दो इस पासे भी है, तो उनकी बच गया साढ़े को देखो ध्यान तीन दुनी छे एक्स वो भी माइनस का छे एक्स माइनस दे बारह वाई बराबर है प्लस दे छे एक्स नाल सोलह बच गया है, इधर भी छत्ती बच गया सी बेटा सोलह बच गया है तो माइनस अठ वाई। हूँ सारी रकम आप इधर शिफ्ट कर देनी है, जिन्हिया भी रकम साढ़े को बच गई ने सारी आप शिफ्ट कर लेनी है। ध्यान देखियो छत्ती माइनस छे एक्स माइनस बारह वाई माइनस छे एक्स माइनस सोलह प्लस अठ वाई सारे रकम का साइन चेंज हो गया बराबर है जीरो। हूँ तुम देखो माइनस छे एक्स से माइनस छे एक्स माइनस दे बारह एक्स हो गया माइनस बारह वाई प्लस दे अठ वाई माइनस दे चार वाई रह गए ने छत्ती सोलह गए भी। तो ये साढ़े को साडा जो सवाल का आंसर आ गया है जोड़ा कि साड़ा एक रिलेशनशिप बन गया है एक्स के वाई के विचकार का। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू एक्सरसाइज पूरी चंगी तरह समझ आई होएगी। ये दसवां सवाल बहुत ही सौखे ढंग से अटैम्प्ट किया है जिस विच सानू कहा गया सी कि पी ए ते पी बी दी दूरी बराबर है ते असी वर्ग लैके उस वर्ग मूल हटा के फॉर्मूले ध्यान ना लगाने हैं बड़े जड़े। मैं तुम्हें दस्या कि प्लस है तो प्लस वाला लगना है फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगना है। दो ए बी माइनस का होंगे बेटा, ए दी दो बी दी दो हमेशा प्लस के होंगे ने, दो ए बी माइनस का है जो माइनस का फॉर्मूला है, जो प्लस का है तो प्लस के दो ए बी लगनगे। खब्बे पासे ते सज्जे पासे दी रकम कदों कटनिया ने जदे दोनों के चिन्ह बराबर ने, इस गल का ध्यान रखना है। तो उस तो बाद साड़े कोल समीकरण बन गई है जो कि इन एक्स ते वाई दे विच संबंध स्थापित करती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू अभ्यास 7 पॉइंट एक सौखे तरीके नाल समझा सका हाँ। तो जेकर वीडियो वधिया लगी होवे जरूर कमेंट करियो बेटा, जरूर लाइक करियो, तो मेरे चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर दियो बेटा।